हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ लेसन, फिफ्थ स्टैंडर्ड का है, मराठी। या लेसन नहीं है बल्कि स्टोरी है, स्टोरी टाइप है। सिंह यानी बेडू, सिंह यानी कि लायन, बेडू यानी कि फ्रॉग। तो सिंह और बेडू की स्टोरी है ये। यहाँ पर स्टोरी में यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, कहीं जगह लिखा है और कहाँ पर पिक्चर्स है। तो हमें सबसे पहले पिक्चर्स को पहचानना है। ये है जंगल की पिक्चर यानी फॉरेस्ट, ये एक सिंह है यानी लायन, और यहाँ पर जो पिक्चर है ये है प्राणी व पक्षी यानी के एनिमल्स और बर्ड्स, और ये पिक्चर है बेडू की। तो यहाँ पर जो लिखा है, जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के बदले यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा है कहीं सारा जंगलात, सिंह, ये ब्रैकेट्स में आप एक का जंगलात ऐसा पढ़ के नीचे ब्रैकेट में भी देख सकते हैं। पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर पिक्चर के ऊपर लिख सकते हैं, तो हमें इजी पड़ेगा करने में, रीड करने में। और यह स्टोरी लिखी गई है मुकुंद तड़वलकर, ये स्टोरी उन्होंने लिखी है सिंह अनि बेडुक। तो सबसे पहले सिंह अनि बेडुक की स्टोरी हम रीड करेंगे। एका जंगलात एक सिंह राहायचा, त्याला त्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। एकदा सिंह मोठ्याने गरजला, त्या जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी तसेच काही बेडूकही राहत होते। त्यांनी यापूर्वी सिंहाला पाहिले नव्हते। त्याला बेडूक पुढारी म्हणाला, कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे, आता मीही मोठा आवाज काढतो। बेडकाने मोठा आवाज काढला। सिंहाला हा आवाज नवीन होता। सिंहाला वाटले कोणीतरी आपल्याला आव्हान देत आहे, आपण सावध राहिले पाहिजे। सिंहाने आपली गर्जना थांबवली, तो शांत उभा राहिला। बेडूक मोठमोठ्याने ओरड पुढे पुढे सरकू लागला। सिंहाने त्याला पाहिले व त्याचा आवाज ऐकला। सिंह वेगाने पुढे सरकला। सिंहाने बेडकाच्या डोक्यावर पाय दिला। बेडूक गयाव्या करू लागला। सिंहाने त्याला सोडून दिले। तो यहाँ पर हमने स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, वरना हमें बार बार नीचे देखना पड़ेगा तो कन्फ्यूजन होगा। अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एका जंगलात एक सिंह राहायचा, एक जंगल में कौन रहता था, एक सिंह यानी कि एक लायन रहता था। राहायचा यानी कि लिव। त्याला त्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। और उसको, जो सिंह था, उसको उस जंगल में, जहां वो जिस जंगल में रहता था, तो वहां पर उसको वो कंटाळ गया था, यानी एक ही जंगल में वो बोर हो गया था। कंटाळा यानी कि बोर। आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला एकदा। तो यहाँ पे क्या था, वो जो सिंह था वो बार बार एक ही जंगल में रहके वो बहुत बोर हो गया था, तो फिर वो दूसरे एक जंगल में रहने के लिए गया, यानी कि वो नव्या यानी न्यू, नव्या यानी न्यू। तो वो न्यू जंगल में रहने के लिए गया। एकदा, एकदा यानी कि वंस, वंस। एकदा सिंह जंगलाचा मोठ्याने गरजला, गरजला यानी कि रोर, जो शेर लोग अपनी आवाज निकालते ना उसे रोर कहते, गरजला यानी कि रोर, मतलब चिल्लाते हैं अपनी आवाज में, दहाड़ते हैं, उसे कहते हैं रोर, ROAR, रोर। जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी तसेच काही बेडू की राहत होते। और जो न्यू जंगल में गया था वहां पर कौन रहता था, सिर्फ प्राणी व पक्षी यानी कि कई तरह के बर्ड्स और एनिमल्स रहते थे। तसेच काही बेडूक ही राहत होते।
और वहां पे एक बेड़ू की रहता था, बेड़ू यानी कि फ्रॉग। त्यानी या पूर्वी सिंहाला पाहिले न होते और उसने कभी भी बेडूक ने सिंह को नहीं देखा था। त्यांचा बेडूक पुडारी म्हणाला, और इस फॉरेस्ट का बेडूक पुडारी यानी कि हेड, हेड ऑफ द फॉरेस्ट, पुडारी यानी कि हेड, हेड जो एकदम लीडर होते हैं फॉरेस्ट के, तो वहां पे पुडारी, पुडारी यानी कि हेड लीडर, तो कौन था वो लीडर? फ्रॉग था। कोनी तरी मोठा आवाज काढत आहे, तो यहाँ पर ये फ्रॉग बोलता है कि यहाँ पे कौन ऐसी आवाज, बड़ी आवाज निकाल रहा है, मतलब कोई उसकी तरह आवाज नहीं निकालता है। आता मी ही मोटा आवाज काढतो, ये कौन ऐसी इतनी बड़ी आवाज निकाल रहा है, मैं ही यहाँ पर इतनी बड़ी आवाज निकालता हूँ, यानी आता मी ही मोटा आवाज काढतो, मैं ही इतनी बड़ी आवाज निकालता हूँ, यानी इतनी आवाज करता हूँ। बेड़का ने मोटा आवाज काढला, और बेड़का ने यानी इस फ्रॉग ने और आवाज निकाली, यानी और आवाज से चिल्लाया। सिंहाला हा आवाज नवीन होता, और सिंह के लिए ये भी आवाज न्यू थी, फ्रॉग के लिए भी ये न्यू आवाज थी और सिंह के लिए भी यही आवाज न्यू थी। जहां सिंह पहले उस जंगल में रहता था वहां पर कोई प्राणी व पक्षी नहीं थे, और वो अब उस जंगल जंगल से बिल्कुल कंटाल गया था, यानी बहुत बोर हो गया था अकेले अकेले, तो वो न्यू जंगल में आया, तो वहां पर कौन रहता था? प्राणी व पक्षी, और ये बेडू, बेडू कौन था? उस जंगल का पुडारी, पुडारी यानी कि हेड था, मॉनिटर था, हेड ऑफ द जंगल। तो यहाँ पर सिंहाला हाँ आवाज नवीन होते, और ये सिंहाला यानी इस लायन के लिए ये आवाज, बेडू की आवाज बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल न्यू थी, उसने कभी उस जंगल में आवाज ऐसी उसने सुनी नहीं। तो सिंहाला वाटले कोणी तरी आपल्याला आव्हान देत आहे, तो सिंह लायन को लगा कोई तो है जो मुझे आह्वान दे रहा है, आह्वान यानी कि चैलेंज दे रहा है मुझे, आह्वान मतलब चैलेंज। तो वो क्या बोलता है? सिंहाला वाटले कोणी तरी आपल्याला आह्वान देता है, सिंह बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे चैलेंज दे रहा है, आपन सावध राहिले पाहिजे। तो यहाँ पर क्या है? सावध यानी कि अलर्ट, बिल्कुल होशियार यानी सावधान। सिंहा ने अपनी गर्जना थांबवली, और सिंह अभी अपनी गर्जना यानी जो वो रोर कर रहा था उसको स्टॉप कर दिया, गर्जना यानी कि मतलब रोर, थांबवली यानी कि स्टॉप। तो शांत उभा राहिला, और वो बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। बेडूक मोठ्या ने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला, और अभी बेडूक जो है फ्रॉग है वो मोठ्या ने और जोर जोर से आवाज निकालते निकालते, फ्रॉग कैसे जंप करते हैं वैसी ही वो पुढे, पुढे यानी कि आगे, यानी कि अहेड, वो और आगे आगे जा रहा था। सिंहाने त्याला पाहिले, और सिंहाने उसको देखा, त्याना पाहिले यानी कि टू सी, उसने उसे देखा, किसने? सिंह ने फ्रॉग को देखा। वह त्याचा आवाज एकला, और वो उसने उसकी आवाज को पहचाना कि ये आवाज निकाल रहा है। सिंह वेगाने पुढे सरकला, और सिंह वेगाने यानी अचानक से आगे सरका। सिंहा ने बेड़काचे डोक्यावर पाय दिला, और सिंहा ने यहाँ लिखा है सिंहा ने बेड़काचे डोक्यावर, बेड़काचे डोक्यावर यानी उसके फेस पर, डोक्यावर मतलब फेस, फेस पर पैर रखा अपना, यानी उसका पंजा उसके सर पर ऐसा रखा। बेडुक गया व्या करू लागला, और अब बेडुक इतना छोटा सा स्मॉल टाइनी है उस लायन के सामने, तो वो बिल्कुल एकदम से उसके सामने एकदम डर गया, तो वो गया व्या यानी रिक्वेस्ट करता है, यानी मुझे माफ कर दो या ऐसा कुछ करता है, उससे अपील करता है कि आप मुझे ऐसा छोड़ दो ऐसा। तो सिंहा ने त्याला सोडून दिला,
और फिर सिंहा ने उसे छोड़ दिया। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसने उसके पंजों से उसे शिकार किया, यानी उसको पकड़ लिया। तो बेडू फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि मतलब मुझे छोड़ दो, और सिंहा ने त्याला सोड़ दिला और सिंहा ने उसे छोड़ दिया, यानी कि सिंहा ने उसे फ्री कर दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद द स्टोरी सिंहा एंड बेडू। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। Thank you.